सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और बेहतरीन लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट किस तरीके से करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आज मैं आपको पहले ही बता दूंगा, ठीक है। सो वर्क करते समय जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, राइट। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आपके लिए मैं रेगुलरली पूरा कोर्स अपलोड कर रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जल्दी सीख लो और अच्छी से अच्छी जॉब पा सकोगे आप, ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। सो चलो सबसे पहले रो इंसर्ट और कॉलम इंसर्ट करना सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज करो हम वर्क कर रहे हैं, जैसे ये वाली एक रो है, अब इस रो के ऊपर एक रो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इधर और इंसर्ट। तो देखो ऊपर एक रो आ गई, अब यहाँ पे आप डेटा फिल कर सकते हो। अब मान लो यही वाली जो रो थी इसके नीचे हमको चाहिए होती, तो हम क्या करते, लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि इस वाली रो के, लॉजिक ये है कि इस वाली रो के नीचे चाहिए, मतलब इसके ऊपर चाहिए, तो सिंपल राइट क्लिक करो और इंसर्ट। तो देखो आ गई, क्लियर। तो ये तो हो गई हमारी रो इंसर्ट करना। अब कोई रो डिलीट कैसे करना है, कोई भी रो है, इधर राइट क्लिक करो डिलीट, इधर राइट क्लिक करो डिलीट, इधर राइट क्लिक करो डिलीट, राइट। अब चलिए बात करते हैं कॉलम्स की। तो देखो जैसे मैंने इधर किया, अब मैं इधर राइट क्लिक करके इंसर्ट करता हूँ तो पहले हो जाएगा। मान लो मेरे को इसके बाद चाहिए था, तो लॉजिक यही तो है कि प्रोडक्ट से पहले चाहिए, तो प्रोडक्ट वाले से पहले आ जाएगा इस तरीके से, क्लियर। ये आपको समझ में आया। डिलीट करना है तो डिलीट करने का भी ऑप्शन सिंपल क्या है, राइट क्लिक करो डिलीट, सिंपल। अब मान लो कभी कभी डेटा हमको कुछ ऐसा मिलता है, जैसे मान लो कुछ रोज हैं जिनमें डेटा कुछ ना इस तरीके से दिया हुआ है, ऐसे ऐसे सेल्स ऐसे हो रखे हैं, कोई सेल ऐसा हो रखा है, ठीक है, मतलब ये इस तरीके से डेटा मिला है हमको, तो हमको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक है बता रहा हूँ। फर्स्ट सेल पे क्लिक करो, कंट्रोल दबाओ, शिफ्ट दबाओ, राइट एरो, रो सेलेक्ट, अब इसके बाद डाउन एरो। तो देखो ये पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया हमारा। अब हमको कुछ नहीं करना, सिंपली फॉर्मेट पे आओ और ये ऑटो फिट रो हाइट, अब इसके बाद ऑटो फिट कॉलम विथ। तो आप देखो वैल्यूज के अकॉर्डिंग डेटा फिट हो गया है हमारा। कैसा लगा लेक्चर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इतना आपके लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऑब्वियसली मैं बताऊंगा, ये प्रोजेक्ट्स हम करेंगे तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं। इतना अभी के लिए आपके लिए जानना ज़रूरी था जो मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट लेक्चर जो आपका आएगा वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। डेटा एनालिटिक्स स्टार्ट हो चुका है हमारा, ठीक है। अभी तक आपने जितने भी लेक्चर्स देखे हैं, सीखे हैं, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। और मैं रेगुलरली शॉर्ट्स भी अपलोड करता हूँ जिनको देखकर आप एक मिनट के अंदर अंदर वो ट्रिक सीख सकते हो और बहुत ही काबिल इंसान बन सकते हो। सो चलिए मिलते हैं स्टूडेंट्स रेगुलरली, ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।